प्रेग्नेंट औरत के लिए वो पल बेहद खास होता है जब उसे अपने प्रेगनेंसी की खबर मिलती है, लेकिन खुशी तब और बढ़ जाती है जब उसे अपने पेट में पहली बार अपने बेबी की हलचल महसूस होती है। वैसे तो कई प्रेग्नेंट औरतों को शिशु की पहली हलचल समझने में टाइम लग जाता है, इसलिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप ये जानना चाहती हैं कि आपका बच्चा आपको कब फील होता है, तो आज की इस वीडियो में मैं प्रीति यादव आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के कौन से महीने में आपको अपने बच्चे की मूवमेंट फील होती है, प्रेगनेंसी के दौरान आपको बच्चे की मूवमेंट कितनी बार फील होनी चाहिए और प्रेगनेंसी में बच्चे की मूवमेंट कम होने का कारण क्या होता है। प्रेगनेंसी में बच्चे की मूवमेंट कम हो तो आप क्या करें, आइए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान पेट में पहली मूवमेंट आपको कब फील होती है। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के शुरू के कुछ महीनों तक होने वाले बच्चे की हलचल का प्रेगनेंट औरत को एहसास नहीं हो पाता। ज्यादातर महिलाओं को प्रेगनेंसी के 20वें हफ्ते यानी कि 5वें महीने के आसपास होने वाले बच्चे का हिलना डुलना महसूस होता है और प्रेगनेंसी के 24वें हफ्ते यानी 6ठे महीने के बाद से लगातार पेट में बच्चे की लात मारने को प्रेगनेंट औरत महसूस कर सकती है, क्योंकि इससे पहले पेट में शिशु काफी छोटा होता है, इसलिए उसकी मूवमेंट को पहचान पाना मुश्किल होता है। ऐसे में पहली बार माँ बन रही प्रेग्नेंट औरतें इन मूवमेंट को कभी कभी गैस की समस्या समझ बैठती हैं। इसलिए अगर आपको पेट में वाइब्रेशन सा कुछ भी महसूस हो तो ये आपके होने वाले बेबी की हलचल हो सकती है। अगर आप पहले भी माँ बन चुकी हैं तो इन एहसासों को आप समझने लगेंगी, लेकिन पहली बार माँ बन रही औरतों को इसे समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। वैसे ज्यादातर प्रेग्नेंट औरतों को अपने पेट में शिशु की लात का एहसास दूसरी और तीसरी तिमाही में ही होता है। आइए अब हम ये जानते हैं कि प्रेगनेंसी में बच्चे की हलचल कितनी बार आपको फील होती है। तो फ्रेंड्स, जब आप 20 से 24 सप्ताह यानी कि दूसरी तिमाही के बीच बेबी की हलचल को महसूस कर लेंगी तो इसके बाद से आप इसे कई बार फील कर पाएंगी। हालांकि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप ये हलचल हर बार ही महसूस कर पाएं, क्योंकि पेट में शिशु ग्रो हो रहा होता है और अपनी गति से ही मूव करता है। ऐसे में ज्यादातर महिलाएं सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड तक किक्स और पंचेस को फील कर सकती हैं, लेकिन कुछ महिलाएं प्रेगनेंसी में बेबी मूवमेंट को थर्ड ट्राइमेस्टर की शुरुआत में महसूस करती हैं। इस स्टेज पर इन मूवमेंट्स को ट्रैक रखना बेहद जरूरी है, खासतौर पर जब आप किसी काम में बिजी होंगी तब हो सकता है कि इस तरफ आपका ध्यान ही ना जाए और शिशु की हलचल को आप पहचान ना पाए, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में बेबी ज्यादा एक्टिव हो जाता है और ऐसे में वो तीसरी तिमाही में 2 घंटे में करीब 10 बार हलचल कर सकता है। वहीं डिलीवरी के दौरान एक हेल्दी शिशु लगातार हलचल करता रहता है। हर शिशु की मूवमेंट का पैटर्न अलग होता है, इसलिए अगर आपका शिशु बाकी शिशुओं के मुकाबले कम किक कर रहा है तो ये चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर किक बहुत कम है या मूवमेंट आपको हो ही नहीं रही है तो इस दौरान आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। आइए फ्रेंड्स, अब हम ये जानते हैं कि अगर आपका शिशु पेट में बहुत कम मूव कर रहा है तो फिर उसका कारण क्या हो सकता है। तो दोस्तों, कई बार प्रेगनेंसी के 6ठे 7वें महीने में महिलाओं को शिशु की हलचल फील तो होती है, लेकिन ऐसे समय पर शिशु बहुत कम समय के लिए हलचल करता है। ऐसे में प्रेग्नेंट महिला का परेशान होना बहुत ही आम सी बात है। वो ये सोचने लग जाती है कि पेट में बेबी की हलचल कम क्यों है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपका बेबी भी कम हलचल करता है तो इसका सबसे बड़ा कारण शिशु के विकास में कमी हो सकती है। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके पेट में पल रहे बच्चे की जो ग्रोथ है वो सही से नहीं हो पा रही है और इसके कारण वो काफ़ी कम मूव कर रहा है। इसके अलावा शिशु तक ऑक्सीजन का सही से ना पहुंचने के कारण भी बेबी की हलचल में कमी आ जाती है। ऐसे में आपकी प्रेगनेंसी खतरे में पड़ सकती है और आपके होने वाले बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए इस टाइम पर आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। आइए फ्रेंड्स, अब हम ये जानते हैं कि अगर आपका होने वाला बच्चा पेट में कम मूव कर रहा है तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए। तो इसके लिए आप मसालेदार खाना खा सकती हैं, क्योंकि आपके माध्यम से ही वो स्पाइसी फूड आपके होने वाले बेबी तक पहुंचेगा, जिससे वो आपके भीतर ज़्यादा एक्टिवली मूव करने लगेगा। लेकिन ये केवल एक सलाह है जिसे आप अपने डॉक्टर से पूछने के बाद ही अपनाएं, क्योंकि हर महिला का शरीर एक जैसा नहीं होता जो मसालेदार खाने को अच्छे तरीके से संभाल सके। ऐसे में कभी कभी बच्चा मसालेदार खाने पर रिएक्ट कर सकता है, लेकिन कभी कभी ये उसके लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है, इसलिए आप डॉक्टर से पूछकर ही 1 या 2 बार मसालेदार खाना खाएं, लेकिन इसे अपनी आदत ना बनाएं।
इसके अलावा ये तो आप सब जानते ही होंगे कि बच्चे एक्सट्रीम टेम्परेचर पर कितने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, और पेट में पल रहे बच्चे के लिए ऐसे समय पर हॉट टेम्परेचर सेफ नहीं होता, लेकिन कोल्ड टेम्परेचर उन्हें सेफली रिएक्ट करने पर मजबूर करता है। इसलिए आप आइस पैक को पेट में ऐसी जगह पर लगाएं जहां आपको लगता है कि शिशु को ठंड महसूस होगी। ऐसा करने से भी शिशु की मूवमेंट को फील किया जा सकता है, और प्रेगनेंसी में बच्चे की कम मूवमेंट वाले लक्षण को आपको अनदेखा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और आपको डॉक्टर से तुरंत की तुरंत मिलना चाहिए, क्योंकि माँ के पेट में बच्चे की हलचल में कमी खतरे की ओर इशारा करती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अगर आपको ये जानना है कि प्रेगनेंसी में लेबर पेन को आप कैसे लाएं, तो इसके लिए आप अपनी स्क्रीन पर आ रही हमारी इससे रिलेटेड वीडियोस को देख सकती हैं। इसमें हमने आपको इस बारे में अच्छे से बताया है। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।